जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन किया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा, दूसरा। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, चैप्टर 9 लेक्चर सेकेंड, चैप्टर 9 का लेक्चर दोस्तों कौन सा है, दूसरा। ध्यान से देखिए, दो अज्ञात राशि वाले दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों से चर्चा की है कि जो दो अज्ञात राशियां होती हैं उनके मान निकालने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया। एक तरीका दोस्तों विलोपन विधि होती है, दूसरा दोस्तों क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। 2 तरीके से दोस्तों निकालते हैं। यदि प्रश्न में लिख के आएगा विलोपन विधि से सॉल्व करें तो दोस्तों विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे प्रश्न को। यदि प्रश्न में लिख के आता है कि प्रतिस्थापन विधि से एक्स एंड वाई के मान ज्ञात कीजिए या को हल कीजिए, तो दोस्तों हम क्या एक्स वाई के मान हम क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समझे दोस्तों, दोनों विधियों पर दोस्तों मैंने विधिवत से चर्चा की है और क्या प्रश्न भी दोस्तों कराए और अच्छे से उसमें प्रश्न में ही अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो कल का लेक्चर दोस्तों जरूर देखिए, और ये चैप्टर दोस्तों आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से क्या आपका 1 नंबर से 2 नंबर का या कभी कभार 3 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी तक टोटल 7 प्रश्न कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न क्या दोस्तों कौन से होगी 8, कहां से स्टार्टिंग करेंगे 8 से। दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जितना भी सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से सीख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। कह रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम और श्याम, राम और श्याम की आय का अनुपात, की आय का अनुपात 4:3 है, अनुपात 4:3 है। ठीक भैया, आगे कहता है आपसे तथा इनके व्यय में अनुपात, तथा इनके इनके कितने राम और श्याम के इनके व्यय में अनुपात, वे में अनुपात 3:2 है। ध्यान से समझिएगा भैया, आगे भैया कहता है यदि प्रत्येक 5,000 रुपये यदि प्रत्येक 5,000 रुपये मासिक बचत करता है,
बचत करता है। तो भैया आपसे कह रहा है तो उनकी अलग अलग आय बताइए, तो उनकी अलग 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 आय बताइए, आय बताइए। ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर से सवाल बताता हूं। ध्यान समझिए, बताऊं दोस्तों, कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके व्यय में अनुपात 3:2 है। मतलब कमाते कितना, 4:4 में कमाते हैं और खर्च कितना करते हैं, 3:2 में। और दोनों प्रत्येक महीने में क्या कह रहा है, प्रत्येक पांच हजार रुपए मासिक बचत करता है। प्रत्येक मतलब क्या, दोनों जो है प्रत्येक महीने में 5,000-5,000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है, राम भी 5,000 रुपए एक महीने में बचाता है और श्याम भी एक महीने में 5,000 बचाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा उनकी आय बताइए, तो दोस्तों मान लेते हैं, क्या मानेंगे भैया राम की आय दोस्तों अनुपात होता तो उसमें एक्स चिपका देते हैं, उसका मास आय कितनी है। देखिए राम पहले लिखा है तो इसलिए कितना, राम का 4x हो जाएगा, कितना 4x, यानी कितने रुपए हैं, 4x रुपए। राम कितने रुपए कमाता है, 4x रुपए, चलिए पहले लगा देते हैं। फिर देखिए उसके बाद श्याम की आय, ध्यान समझे, श्याम की आय दोस्तों कितना, रुपीज 3x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या बचत भी करते हैं कितना, खर्च भी करते हैं कितना, 3:2 में। तो क्या लिखोगे, राम का व्यय बराबर, तो देखिए राम कितना व्यय करता है, 3x नहीं, यहां क्या लगाएंगे, रुपीज 3। अब चूंकि व्यय करेगा तो यानी कुछ वाई कर ले, यहां पर दूसरा वाई लगा देते हैं, 3y। ठीक, वाई से। और श्याम का व्यय कितना है, श्याम व्यय कितना खर्च करता है, 2, तो 2y लगा लेते हैं, रुपीज 2y। क्लियर हो गया, अब ध्यान समझिए, यहां xx लगा लिया, अनुपात में जो अनुपात होगा मासा लगाते हैं ना, तो इन दोनों का मासा x मान लिया और इन दोनों का मासा y मान लिया, इसलिए y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान समझिए, प्रत्येक 5,000 रुपए मासिक बचत करता है, तो प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या, राम की आय दोस्तों कितनी, 4x है, राम की आय कितनी, 4x है, खर्च कितने करता है, 3x, तो 4x में से 3x जाएगा, सॉरी 3y, राम की आय 4x है, खर्च कितना करता है, 3y, तभी तो दोस्तों बचेगा। भाई आपको जब बचत निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, से क्या मासिक आय, जो आय हो, आय बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिए, आय बराबर दोस्तों क्या होगा, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, मतलब जितना आप खर्च करें प्लस बचत, जो आपकी मासिक आय है। अब दोस्तों यहां में चाहिए क्या, हमें देखिए क्या बचत चाहिए ना, तो यहां से बचत बराबर क्या हो जाएगा, बचत को अपनी जगह पर रखिए, तो आय दोस्तों ऐसे रहेगी, आय अपनी जगह पर रहेगी, खर्च को उठा ले, तो आय माइनस खर्च, खर्च का मतलब व्यय, खर्च का मतलब दोस्तों क्या है, व्यय की बात कर रहा, और इक्वल टू बचत। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत कैसे निकलेगी, जब आय में से जो मासिक आय उसमें में से व्यय घटा दें, तो मासिक आय दोस्तों हमारी कितनी, 4x है, और इसमें राम व्यय कितना करता है, खर्च कितना करता है, 3y, और तो बचत कितनी करती है, 5,000 का, तो इसलिए 5,000 के बराबर हो जाएगा। अब तो मुझे समझ गए होंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए इसी प्रकार श्याम का देखते, कितनी आय कितनी, 3x है, खर्च कितना करता है श्याम, 2y, तो घटा देते हैं तभी तो 5,000 रुपए की बचत होगी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, आप ध्यान समझिएगा, इसको रख करो। इसके बाद समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना। अब दोस्तों मैंने आपको दो विधियां बताई, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको आसान लगी हो, क्योंकि इसमें ये कुछ नहीं कहा कि विलोपन विधि से सॉल्व करिए कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, तो जो मेथड आपको आसान लगा हो उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि विलोपन विधि आसान लगी तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि आसान लगी तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए। ठीक भैया, तो ध्यान समझिए, यहां देखिए x का गुणांक 4 है, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूं, यहां x का गुणांक 3 है, यहां y के गुणांक 3 है, यहां y के गुणांक 2, किसी के गुणांक बराबर नहीं है, तो क्या करें हम, y के गुणांक बराबर कर लें, तो समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें,
तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो वाई वाई बराबर हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से क्या लिखोगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ध्यान समझिए भैया, जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 × 8x हो जाएगा माइनस 2 से करेंगे ना 2 × 3 = 6y इक्वल टू, इसको भी 2 से करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 10,000 हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण लिखोगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, समीकरण क्या कर रहे हैं, 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा, 3 × 3 = 9, 9x हो जाएगा, माइनस का 3 × 2 = 6y हो जाएगा, और कितना 3 × 5 = 15, इक्वेशन नंबर 4 हो गए। अब 3 और 4 को देखिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस, मैंने कल क्लास में चर्चा की है, जब भी दोनों माइनस या दोनों प्लस मिलते हैं और सम बराबर में काटना है तो हमेशा घटाएंगे, तो क्या करें हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो क्या लिखोगे इसके बाद इधर, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, या आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, ठीक है। आप ध्यान समझिए, LHS को LHS में घटाते हैं तो कितना 9x माइनस का 6y, क्या 9x माइनस का 6 घटाना है, इसलिए माइनस लगाएंगे और तुरंत ब्रैकेट, मैंने कहा जब भी घटाना हो तो ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखिएगा, 8x माइनस का 6y हो गया, यही तो है 8x माइनस 6y, इधर देखिए इक्वल टू 15,000 माइनस का कितना, ये 5 × 10,000 दोस्तों लिखा है, माइनस का 10,000, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे यहां से, तो 9x माइनस का 6y माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस, माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल टू, देखिए 15,000 में से 10,000 है, कितना बचेगा 5,000, ठीक भैया। अब ध्यान से समझिए, यहां माइनस का 6y यहां प्लस का 6y कैंसिल हो गया, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा जाएगा, 9x माइनस का 8x इक्वल टू 5,000, अगर 9x में से 8x जाएगा तो कितना x बचेगा ना, तो x बराबर दोस्तों कितना 5,000 आएगा, के x की वैल्यू दोस्तों हमारी 5,000 आई है। अब दोस्तों इस x का मान क्या पूछा था, तो इनकी अलग अलग आय बताइए, तो राम की आय कितनी दोस्तों 4x है, तो x जहां वहां पर 5,000 रख दें, और श्याम की आय 3x, यहां x वहां 5,000 रख दें, तो क्या आएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अतः राम की आयु राम की आय बराबर कितनी, राम की आय बराबर कितना दोस्तों ₹4x, यानी कि रुपीज और कितना 4 और x की वैल्यू दोस्तों कितना 5,000, यानी भैया कितना हो जाएगा 5×20, यानी ₹20,000 दोस्तों राम की आय। अब श्याम की निकाल लेते, तो श्याम की आय, श्याम की आय बराबर रुपीज कितना भैया, कितना 3x है ना, तो 3 × x की वैल्यू कितनी 5,000, यानी कितना ₹15,000, यानी कि श्याम की जो मासिक आय ₹15,000 है, ये दोस्तों हमारे दोनों आंसर हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप का प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला दोस्तों 9 नंबर हटाऊं, प्रश्न आसान है, बस आप इक्वेशन बना ले जाएं, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो कल आप जो आपने प्रश्न सॉल्व किया इक्वेशन बनी बनाई थी, और आज आपको इक्वेशन बनानी पड़ रही है कि नहीं। कह रहा है देखिए आसान सा प्रश्न, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 3 कुर्सी
और दो मेज का मूल्य 700 रुपए है। आगे भाई आपसे कह रहा है और पांच कुर्सी तीन मेजों का मूल्य, और पांच कुर्सी तथा तीन मेजों का मूल्य 1100 रुपए है। रुपीज 1100 रुपए है। आगे भैया आपसे कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग बताइए। एक कुर्सी तथा एक मेज, एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग 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 मूल्य बताइए। ध्यान से देखिए कितना आसान ये भी है। हटाओ उसको, चलिए दोस्तों ये वीडियो समझ में आ रही है, हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहे, ठीक है। कह रहा तीन कुर्सी और दो मेज का मूल्य 700 रुपए है और पांच कुर्सी तथा तीन मेज है, शायद पांच कुर्सी तथा तीन मेजों का मूल्य 1100 रुपए। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य चाहिए। तो सब मान लेते, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपीज एक्स, ठीक है, और उसके बाद एक मेज का मूल्य मान लेते हैं कि हमें कुर्सी और मेज का मूल्य चाहिए। तो एक मेज का मूल्य बराबर रुपीज कितना वाई, प्रश्नानुसार जो कहता है वो करते जाइए, दो इक्वेशन बनाइए फटाफट सॉल्व कर दीजिए प्रश्नानुसार। ध्यान समझिए, कह रहा तीन कुर्सी दो मेज का मूल्य 700 रुपए, तो तीन कुर्सी यानी एक कुर्सी का मूल्य x है, तो तीन कुर्सी कितनी हो जाएंगे 3x की हो जाएंगी, और दो मेज एक मेज का मूल्य y है, तो दो मेज का कितना 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो प्लस का 2y कितना किसके बराबर होगा 700 के। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। दूसरी देखिए, आगे कहता है पांच कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य जैसे कितना x, तो पांच कुर्सी का कितना 5x हो जाएगा। अरे जैसे कहें एक पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने के होंगे 25 मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो यहां 5 की मल्टीप्लाई मैंने x से कर दिया, और फिर तीन मेज कह रहा है तो एक मेज का मूल्य कितना y रुपए, तो तीन का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। इन दोनों का मूल्य कितना 1100 रुपए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ध्यान समझिए, यहां भी वही कहानी, ना x का गुणांक बराबर है ना यहां y का गुणांक बराबर है, यानी क्या करेंगे y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, समीकरण एक को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके गुणांक को इससे कर दें, इसको इससे कर दें, तो तीन से कर दें, समीकरण एक को तीन से गुणा करने पर ध्यान समझिए, समीकरण एक को तीन से गुणा करने पर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान समझिए, इसको जब हम तीन से गुणा करेंगे इसको, तो कितना 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 2 = 6 और प्लस 3 × 7 = 21, तो 2100 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और दोस्तों समीकरण 2 को किसे, इस 2 से करेंगे ना, 2 से हमें एक जो चर है उसको बराबर करना होता है, एक वेरिएबल को बराबर करके उसे काटना होता है। तो ध्यान समझिए क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे 5 है, इसको 2 से करेंगे 2 × 5 = 10x हो गया प्लस 2 × 3 = 6y हो गया इक्वल टू कितना 11 × 2 = 22, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। क्या करेंगे भैया, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए, तो क्या लिखोगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, इस तरीके से लिख दीजिए, या भैया लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। ध्यान समझिए,
LHS को LHS में, तो 10x, अच्छा चलो इसको ऊपर नीचे घटा देते हैं, 10x प्लस का 6y, इस तरीके से भी घटा सकते हैं, 22 हो गया, इसको इसे नीचे लिख लीजिए, 9x प्लस का 6y इक्वल टू 21 हो। अच्छा जैसे मैंने पहले घटाया था ना अभी, वैसे भी घटा सकते हैं, और या हम इस तरीके से घटा, दोनों तरीके दोस्तों घटा सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले वाला कर लीजिएगा, यदि ये समझ में आएगा तो इस तरीके से सारे प्रश्न कर सकते हैं घटाने पर। जब दोस्तों घटाते हैं तो इनके साइन बदल जाते हैं, कैसे, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाए, जब कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है कि नहीं, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां भी प्लस होगा तो यहां भी माइनस होगा, ध्यान समझिए, ये 6y कैंसिल हो गया, और यहां प्लस का 9x है और माइनस, अभी साइन ये माना जाएगा माइनस का 9 है, यहां प्लस और यहां प्लस का 10x है, यहां माइनस का 9x है, तो क्या बचेगा, x ही तो खाली बचेगा, x बराबर, यहां देखिए भाई यहां 0 में से 0 का 0 0, यहां 0 में से 0, यहां 2 में से गया 1, 2 में से गया 1 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि x की वैल्यू 100 आई जाके, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, एक मेज तथा एक कुर्सी का मूल्य पूछा था, तो क्या माना था, एक मेज का मूल्य x रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, मेज का y है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में पुट करिए, कोशिश करिए कि मूल वाली समीकरण में पुट करिए, तो थोड़ा आसान पड़ेगा, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या लिखिए, समीकरण 1 से, या भी सकते समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए 3x कितना 100 प्लस 2 y इक्वल टू 700 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 100 से करिए तो 300 प्लस 2y इक्वल टू 700 हो गया, ठीक भैया, 2y को ऐसे रखिए तो 700 और 300 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा 700 में से 300 जाएगा तो 400 बचेगा, यानी कि y बराबर कितना 400, और जो गुणे में होता है बटे में जाता है 2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 200, यानी कि y वाला कितना 200 आ गया, कि y की वैल्यू 200 आई, कितनी 200 आई, तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, आप पहले ये करिए फिर ये करिए फिर मैं यहां पे आंसर लिखने जा रहा हूं। आता क्या करना है, पहले ये पूरा नोट करना है, उसके बाद ये पूरा नोट करना, उसके बाद जो मैंने लाइन खींच दी उसको नोट करना। आता एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य बराबर रुपीज कितना भैया, कितना x माना था, x की वैल्यू 100 आई, और एक मेज का मूल्य बराबर रुपीज कितना 200 आई था ना, एक मेज का मूल्य, ये दोनों हमारे आंसर आ गए, तो है तो आसान दोस्तों, चलिए समझिए और फटाफट नोट करिए, ये दो नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, ध्यान से देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है, ध्यान समझिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप परिमाप कितना 40 सेंटीमीटर है,
तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान समझे कैसे करेंगे। क्या कह रहा भैया? कह रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। सॉरी भैया, एक आयत की जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको दो अज्ञात राशि नहीं, सिर्फ एक अज्ञात राशि लगाते हैं। अच्छा चाहे तो दो से भी लगा सकते हैं, पर एक अज्ञात राशि लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। माना, क्या मानेंगे? आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? तो फिर आयत की लंबाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? आप ध्यान समझिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक। कौन अधिक है? लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई दोस्तों भाई क्या हो जाएगी? x प्लस फाइव सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्या कह रहा? एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए चौड़ाई को यदि हम x मान लें तो चौड़ाई मान लेते 3 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई से 5 अधिक, यानी कि 3 प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। हमने चौड़ाई यहां x मान ली, इसलिए x में 5 जोड़ देंगे तो हो गया कि नहीं? अब कह रहा है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ध्यान समझिए आयत का परिमाप होता क्या है। आयत प्रश्नानुसार क्या दोस्तों? आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप कितना देखा दोस्तों? मैं 40 सेंटीमीटर दे रखा। और आप जानते हैं आयत का परिमाप का 2 ब्रैकेट में क्या होता है? लंबाई, अच्छा चौड़ाई को कैसे लिखते हैं? बी से। और लंबाई को दोस्तों कैसे लिखते हैं? एल से। ठीक है, चौड़ाई को बी से लिखते हैं और लंबाई को दोस्तों कैसे लिखते हैं? एल से लिखते हैं, कि नहीं? तो यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहां से? 2l + b होता ना, परिमाप तो निकालते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 2, देखिए l कितना हमारा यहां से? x + 5 है, तो ध्यान समझिएगा l कितना है? x + 5, तो यानी कि x + 5 हो गया। और बी दोस्तों हमारा कितना? एक्स है, इक्वल टू 40 हो गया, है कि नहीं? तो ध्यान समझे 2 ब्रैकेट में x + x 2x हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू कितना? ये हो गया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 चाहे मल्टीप्लाई कर, चाहे इसके बटे में भेज दीजिए, बात है कि चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4x हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो गया, इक्वल टू 40। अब देखिए 4x = 40, 10 को उठा के उधर बराबर के ले जाते हैं, माइनस का 10 हो गया, तो यानी कि 4x का कितना होगा? 40 अंदर जाएगा, कितना? 30 बचेगा। ये बात समझ पाए? समझ पा रहे हो? क्या किया मैंने? एल की वैल्यू पुट किया तो एक्स प्लस 5 होगा, बी की वैल्यू पुट किया तो कितना? एक्स हो गया, x + x 2x हो गया, प्लस 5 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4x हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस बराबर 40, तो 4x = 40 और प्लस का 10 बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 30 बचेगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x दोस्तों कितना होगा? 30/4 काट लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 4 × 4 = 4, 4 × 7 = 28 हो गया, ठीक 2 बचा देके पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाएगा, 4 × 5 = 20, समझ गए? 4 × 7 = 28 और 2 बचा पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो 4 × 5 = 20 हो गया, 7.5 आ जाके, तो x की वैल्यू दोस्तों कितना? 7.5 आई थी, आई क्या? आई ही है। तो आयत की क्या हो जाएगी? आयत की चौड़ाई क्या पूछा था? उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो कर क्यों आता है? आयत की लंबाई
ध्यान समझिए, लंबाई कितनी है दोस्तों हो जाएगी x प्लस फाइव पे, यानी कितना 7.5 प्लस फाइव, क्या x का 7.5 रख दिया प्लस फाइव, तो 7 × 5 = 12 होता ना, तो 12 दोस्तों मतलब 5 सेंटीमीटर हो गई उसकी लंबाई। और आयत की क्या निकालेंगे अब, चौड़ाई, कितना चौड़ाई क्या हो दोस्तों, x ही तो मानी थी तो कितना 7.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारे दोनों आंसर हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उनके उत्तर दोस्तों लेके आएंगे, कर लेंगे ना दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 11 कह रहा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया है वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए दोस्तों। ठीक भैया, आज आपका जो चैप्टर कौन सा है 9, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण दोस्तों समाप्त होता है। जिस टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में है, मैंने उस टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जो प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर से आएंगे या तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक दोस्तों, तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।